आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन पढ़ता है, क्वेश्चन बोल रहा है, अ 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट ऑफ पीक वैल्यू ऑफ 1 एम्पीयर फ्लोस थ्रू द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी बी 1.5 हेनरी देन द मीन वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड वोल्टेजेस। तो हमें इंड्यूस्ड वोल्टेज का की मीन वैल्यू फाइंड करनी है। हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी जो कि 50 हर्ट्ज है और पीक वैल्यू ऑफ करंट जो कि गिवन है 1 एम्पियर के बराबर। तो अब हम देखते हैं जो अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो जो टाइम पीरियड होगा वो हमें पता है 1/f होता है, वो हो जाएगा 1/50 सेकेंड्स के बराबर। ठीक है, ये हमारा टाइम पीरियड आ जाता है। अगर हम कोई भी साइनोसोइडल टाइप या कोई भी करंट का ग्राफ देखें तो अगर वो एक पीक पे है, अगर ये टाइम टी इक्वल टू जीरो है, उधर से जीरो तक करंट को जीरो तक आने में कितना टाइम लगता है, तो ये जो टाइम होता है वो टी बाई फोर होता है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा टी है हमारा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ टाइम इंटरवल डेल्टा टी स्मॉल टी फॉर करंट टू डिक्रीज फ्रॉम पीक वैल्यू 1 एम्पियर टू जीरो इज टी बाई फोर। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है हमारा टी, हमने निकाला 1/50 इंटू 1/4 हो जाएगा, माने के 1/200 के बराबर ये वैल्यू आ जाती है। अब हमारा डेल्टा आई कितना हो करंट में चेंज टी बाई फोर इंटरवल में, 1 से 0 हो गया, सॉरी 0 फाइनल है माइनस इनिशियल था 1, यह आ जाता है -1 एम्पियर के बराबर। ठीक है, अब अगर हम देखें मीन इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, मीन इंड्यूस्ड ईएमएफ उसकी वैल्यू अगर हम इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करें वो होती है -m(Δi/Δt) के बराबर, जहां पे जो m है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस और हमने इधर डेल्टा आई और डेल्टा टी कर दिया क्योंकि मीन लेना है हमें, तो ये वैल्यू आ जाती है माइनस म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.5 के बराबर, 1.5 हेनरी के बराबर, डेल्टा आई आ जाता है हमारा -1 के बराबर और डेल्टा टी आ जाता है 1/200 के बराबर। तो ये हो जाता है, देखिए -1 -1 कैंसिल आउट हो जाता है, ये बन गया 1.5 इंटू में आ गया 200 ऊपर, बाकी तो 1 ही है सारे, तो ये आ जाती है वैल्यू 300 वोल्ट्स के बराबर। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन डी देखिए 300 वोल्ट करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। सो हेंस आंसर इज डी 300 वोल्ट्स। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।